गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम आपको एक बात के लिए सॉरी बोलेंगे बेटा, कि सॉरी किस लिए, कि जो क्लास टेंथ में हम जो एक बात रिपीट करते आ रहे हैं वो आपने भी कमेंट्स करके नहीं पूछा हमसे और ना ही आपने कमेंट्स किए। कि बेटा एक बात के सॉरी इसलिए बोल देंगे कि चैप्टर चल रहा है फिफ्थ और हम उस पर डाल रहे हैं सिक्स, तो बेटा इस चीज के लिए सॉरी। गलती बार बार होती गई हमसे, हमने ध्यान नहीं दिया। 5-6 वीडियो बन गई हमने टेंथ की, जिसमें सभी वीडियो में कहा गया चैप्टर सिक्स। लेकिन बेटा ध्यान नहीं रहने की वजह से या कुछ भी लगा लो, जल्दबाजी की वजह से लगा लो, उसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, उसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं। लेकिन बेटा नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज, वैसे वो चैप्टर तो पढ़ा रहा टॉपिक वाइज ही है, लेकिन तो गलती ये है कि हमने उसमें ये डाल रखा है कि चैप्टर सिक्स, जो गलत है। चैप्टर फिफ्थ है बेटा, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ चैप्टर नंबर फिफ्थ है बेटा, जो हमने चैप्टर नंबर फिफ्थ पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, और हमने डाल रखा है चैप्टर नंबर सिक्स, ये गलत है बेटा। तो लास्ट वीडियो बेटा हमने डिस्कस किया था, चलो मैं लिख देता हूं, क्लास टेंथ साइंस चैप्टर फिफ्थ, ठीक है बेटा, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। तो बेटा 2-3 दिन से तबियत खराब होने की वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, अब आपका हम संचालन कर रहे हैं पुनः तरीके से दोबारा से। तो अपना जो लास्ट वीडियो हम डिस्कस किया था, हमने प्रिपरेशन ऑफ एनएसईएल एंड प्रॉपर्टी एंड यूजेज, अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम किसका डिस्कस करेंगे बेटा, एक मिनट, ये बाद में गड़बड़ करेगा, बाद में गड़बड़ क्या करेगा कि फोन आने से वीडियो बीच में रुक जाती है कॉलिंग आने से, तो थोड़ा सामने स्क्वायर पे नोट पे किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे NaOH को, किसको पढ़ेंगे बेटा, NaOH को, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है केमिकल नेम होता है, और इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। कॉमर्शियल नेम क्या है बेटा इसका, कॉमर्शियल नेम है कॉस्टिक सोडा और केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके बेटा, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे वो देखो, प्रिपरेशन NaCl dissolved in water, NaCl को कहां डिजोल्व करें, वॉटर में डिजोल्व करें बेटा, then form NaOH, NaOH का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, NaCl को कहां डिजोल्व करें, देखो बेटा NaCl डिजोल्व इन वॉटर, कहां डिजोल्व करें बेटा, वॉटर में, देखो ये आयोनाइज्ड होगा, Na अलग, Cl अलग,
HOH, ये ब्रेक डाउन होगा, एस के साथ कौन टू जुड़ जाएगा, एक्टिंग हो जाएगा, एस के साथ सीएल कनेक्ट हो जाएगा, और एनए किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, OH के साथ। एनए किससे कनेक्ट हो जाएगा, OH से, एच किससे कनेक्ट हो जाएगा, सीएल से, तो क्या बन जाएगा, NaOH plus HCl, NaOH plus HCl, ध्यान से देखो बेटा इस चीज को, आया होगा समझ में आपको अच्छी प्रकार से। अगर यदि बेटा हम इसके 2-2 मोल ले लेते हैं, क्या क्या ले लें, इसके 2 मोल NaOH ले लें, 2 मोल HCl ले लें, तो बेटा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, जिसमें एनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एनोड और कैथोड होते हैं, तो एनोड पे कौन सा जाएगा, कैथोड पे कौन सा जाएगा, वो देख ही लें। तो जो क्लोरीन गैस, देखो बेटा वहन One axis of H2O then electrolytic process complete, chlorine gas at anode terminal and H2 gas at cathode, H2 gas obtained, sorry. देखिए बेटा जब हम इनका एक्सिस मात्रा में ले लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, जैसे NaCl के हमने कितने मोल ले लिए बेटा, 2 मोल ले लिए, और जल के भी कितने मोल ले लिए, 2 मोल। मोल क्या होते हैं बेटा, क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस होते हैं, सबस्टेंस कितनी क्वांटिटी है उसे मोल से डिनोट करते हैं। देखो बेटा 2 है, इसका मतलब कितने मोल हो गए, 2 HOH NaCl, यहाँ पर NaCl कितने मोल, 2, यहाँ पर कितने मोल, 2, NaCl 2 मोल हो गए। देखो ये Cl, ये Cl दोनों बाहर हो जाएगी और क्या बन जाएगा, Cl2। OH है बेटा, देखो एनोड और कैथोड, कैथोड पे तो क्या जा रहा है, H2 गैस, एनोड पे क्या जा रही है, क्लोरीन गैस। एनोड और कैथोड ये 2 टर्मिनल होते हैं, तो कैथोड जो होता है वो एनायन होता है, नेगेटिव नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएंगे, और जो एनोड होता है वो कैटायन होता है, जिसपे एनायन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि जो एनोड और कैथोड, जिसे हम कहते हैं अपने बैटरी होगी घरों में, देखा होगा आपने 2 टर्मिनल होते हैं, एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव होते हैं उस पे नेगेटिव कलेक्टिंग होते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे कौन अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप से नेगेटिव और पॉजिटिव
इस टाइप से नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, तो जिनमें से जो एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पे क्लोरीन यानी कि एनायन का ऑक्टेन होगा, और जो कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पे हाइड्रोजन ऑक्टेन होगी। ध्यान रखना बेटा, अब यहां पर ध्यान दो, H2 प्लस Cl2। देखो बेटा टू टर्मिनल है, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये कोई बैटरी है, ठीक है, ठीक है बेटा टू टर्मिनल है, नहीं दिख रहा है ये, चलो इसको ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा, कहीं खाली जगह होगी। जैसे हम टर्मिनल वाली बात को यहाँ समझ लेते हैं, टू टर्मिनल जैसे बैटरी है, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, अच्छा अब हमने इसमें क्या भर दिया, NaCl भर दिया और क्या भर दिया, H2 फिल कर दिया, कर दिया। अब देखो बेटा ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव, टू टर्मिनल है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे तो कौन जाएगी, Cl2, और नेगेटिव टर्मिनल है इस पे कौन जाएगी, H2। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो जाएगा, जिससे एनोड पे तो कौन चली जाएगी, Cl2, कैथोड पे कौन चली जाएगी, H2। आया समझ में, स्क्रीन शॉट ले लो बेटा इसके, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। मैं फैन ऑन कर देता हूँ, गर्मी ज्यादा है कुछ, ओके बेटा चलो आप इसको इरेज कर देते हैं। देखो बेटा अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो इधर तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इधर हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी क्या होती है, यूजेज क्या होते हैं, अब आप सब जानेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर्टी, इट इज वाई सबस्टेंस, लिख के सबस्टेंस होता है बेटा, वाई सबस्टेंस होता है और प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, किस स्टेट में होता है बेटा, किस स्टेट में होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में होता है, ये लिख लिया, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में है बेटा, जो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाता है, ना कि बॉइलिंग पॉइंट, तो कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन किया जाता है, ना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, ओके बेटा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मेल्टिंग यानी कि पिघलना, मेल्ट होना, और बॉइलिंग क्या है कि जो लिक्विड है उसका गैस में कन्वर्शन होना, किसमें कन्वर्शन होना, गैस में कन्वर्शन होना, वो क्या होता है, गैस के होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। इट इज व्हाई सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, किस स्टेट में होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में होता है, इट इज
इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मेल्ट, बताया हमने आपको इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 591 केल्विन होता है। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर भी धीरे धीरे सोल्यूबल होता है। उसके यूजेज को लेंगे, यूज कहां किया जाता है? यूज टू बी इसमें यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चर्ड सॉप पेपर दिख रहा है, ये दिख रहा, ये दिख रहा होगा सोप, पेपर, सिल्की सिल्क होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है बेटा। एंड एंड अदर केमिकल अदर केमिकल जितने भी केमिकल्स हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आप सभी जानते हैं स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रॉन्ग बेस में हम डिस्कस किया था इनका। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी रिएजेंट, यूज्ड इन लेबोरेटरी यूज किया जाता है बेटा, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग फैट एंड ऑयल, मैन्युफैक्चर्ड इन फैट एंड ऑयल, जितने भी वशीय जो पदार्थ होते हैं, फैटी जो मटेरियल होते हैं, फैटी सब्सटेंस होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं, उनके मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। जो इसका मेन यूज है इट इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, इट इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ यूज पेट्रोलियम सब्सटेंस के प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर को। किसको पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर को। किसको पढ़ेंगे बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। देखो बेटा NaOH का पढ़ा हमने, NaOH का केमिकल नेम पढ़ा हमने, केमिकल नेम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमर्शियल नेम कास्टिक सोडा। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे और इसके प्रॉपर्टी क्या है, इसके यूजेज क्या हैं,
अब हम पढ़ेंगे बेटा ब्लीचिंग पाउडर को, CaOCl2। तो सबसे पहले बेटा इसे केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। देखो बेटा अब इसका जो कॉमर्शियल नेम होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमर्शियल नेम ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि जो आप दुकान पे जाके खरीदोगे बोलोगे ब्लीचिंग पाउडर दे दो तो दे देंगे आपको, ठीक है बेटा। अब हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा प्रिपरेशन। कि इसको हम तैयार कैसे कर सकते हैं, तो CaOCl2 आया है ये बनता कैसे है कैसे नहीं। देखो बेटा इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सिलेक्ट लाइमस्टोन। यानी जब क्लोरीन गैस को पासिंग कराया जाता है किससे, सिलेक्ट लाइम से, भुजे हुए चूने से, तो ये क्या बनता है CaOCl2। इट इज मैन्युफैक्चर्ड manufactured by passing chlorine gas. By passing chlorine gas. On किस पे पास कराएं, dry slack line. देखो बेटा ड्राई सिलेक्ट लाइन को बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा इसको कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस पे क्या कराएं, Cl2 पासिंग कराएं, Cl2 को पास कराएं किससे कराएं बेटा, दर्द हो रहा है। देखो बेटा CaOH इसको हमने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। देखो बेटा समझने का तरीका से इसको हम अलग अलग किया है, क्या आउट हो गया HOH, H2O बाहर हो जाएगा, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और के साथ कौन जुड़ जाएगी, दो क्लोरीन जुड़ जाएंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा CaOCl2+H2O। CaO के साथ दो Cl2 जुड़े, क्या बना CaOCl2, और जो ये H2O बाहर हो गया। ओके बेटा देखो इसको आप, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। तो अब हम इसका पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी। फिजिकल भी एंड फिजिकल और केमिकल, ठीक है बेटा। तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिकल में, फर्स्ट पॉइंट क्या है वो देखो बेटा। जो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्लोरीन गैस रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है।
ईयर टू कौन सी गैस है? फ्यू, ऐसे लिख लो, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस। जैसे भी बेटा इसकी बात करें, CaOCl2 प्लस H2SO4। देखो बेटा, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता। देखो बेटा, इधर ध्यान दो, CaOCl2 दिख रहा है सभी को, H इतने H हो गए दो, SO4। जो ये SO4 है ये कहाँ जाएंगे? Ca के पास। क्या बन जाएगा? Ca SO4। जो ये ऑक्सीजन है CaO वाली, ये इन दोनों हाइड्रोजन से जुड़ेगी, क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा बेटा? H2O। अब ये दोनों क्लोरीन बच गई, तो ये दोनों क्लोरीन बाहर हो जाएगी। CaOCl2 है तो Ca के पास तो SO4 चला गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया, क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट, H2O और Cl2 रिलीज हो गई। ठीक है बेटा, तो जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देता है? गिव्स क्लोरीन गैस। ये लिख दिया होगा आपने, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ब्लीचिंग पाउडर वाटर में क्या होता है? सोल्युबल होता है। नंबर दो प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? सोल्युबल कोल्ड वाटर में सोल्युबल होता है बेटा। अगर इसको गर्म वाटर में डाल देंगे बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती ही होती है, फिर और उसमें एनर्जी सेक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी सफेदी कट्टा लेके आते हैं तो उसको कहाँ डाल देते हैं? पानी में डालते हैं, तो वहाँ से पानी बहुत गर्म हो जाता है, और वहाँ से पानी गर्म होने का मतलब क्या है कि उसने रिएक्शन की है, और वही सब्सटेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, जो ड्राई है, जब उसको हम पानी में डालेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, इसलिए उसे कोल्ड वाटर में डाला जाता है ताकि रिएक्शन कम हो और पानी कम गर्म हो सके। सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, अभी होता है इट इज येलो कलर येलो कलर का क्या है? सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, यूजेज पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे बेटा? यूजेज। यूजेज में पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड, किया जाता है इसका इंसेक्टसाइड फॉर्म में यूज करता है, यानी कि इंसेक्ट होते हैं उनको डिफ्यूज करने में यूज किया, डेस्ट्रॉय करने में यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी होता है उसके प्योरिफिकेशन में भी बेटा इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज इन पेपर एंड इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, जहाँ पेपर बनते हैं ना अपने जिनके हम लिखते हैं। तो बेटा इस टाइप से आज हम सिर्फ दो का ही पढ़ेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो कल हम तीनों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट की दो वीडियो बनेंगी, उसके बाद अपने चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा और फिर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है मोस्ट उनकी भी डल जाएगी। बेटा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ वही बात, चैप्टर फिफ्थ है ये, फिफ्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ चैप्टर नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।